अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवा व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करें। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए बैंगन आलू की मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे बर्तन ले लिया है जिस बर्तन में मैं बनाने वाली हूँ, और गैस को ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस चम्मच की हेल्प से 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप मेरा स्पून देख सकते हो, मैं इसी स्पून से आपको कहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच जीरा ले लिया है और इसे फ्राई करने के लिए इसमें डाल दिया है। तो जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। मैंने यहाँ पे लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट बना लिया है। तो जीरा हमारा हो चुका है, तो सबसे पहले लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट मैं यहाँ पे भून रही हूँ। दो तीन मिनट के लिए हमें इसको भून लेना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए, ताकि इसका कच्चापन है वो निकल जाए और जो हम सूखे मसाले इसमें डालने वाले हैं उन्हें हमें ज़्यादा भूनना ना पड़े। तो हमारा इसका मसाले का कलर चेंज हो चुका है, तो हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे धनिया पाउडर जो कि 1 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच में यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 3 टेबल स्पून में यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। टेस्ट के अनुसार नमक ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी डाल के इन मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और भून लेना है मसाले को 5 से 7 मिनट के लिए। तो मसाला हमारा भुन चुका है, तो अब मैं इसमें एक टमाटर मीडियम का मैंने कट कर लिया है और 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे बड़े टुकड़ों में कट करके इसमें डाल दी है। और थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें डाल के इन्हें मिक्स कर रही हूँ। 2-3 मिनट के लिए हमें इनको भी अच्छे से भून लेना है, ताकि ये भी गल जाए हरी मिर्च और टमाटर, और इनका फ्लेवर भी मसाले में अच्छे से उभर के आ जाए। तो हमारे टमाटर हरी मिर्ची भुन चुकी है। मैं इसमें 1/4 चम्मच सांभर मसाला इसमें डाल रही हूँ, ताकि हमारे मसाले बैंगन मसाले आलू सब अच्छे से इसका टेस्ट इसमें आलू बैंगन में आ जाए। बीच बीच में पानी ऐड करके मसाले को चेक करते रहे, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। तो मसाला हमारा कंप्लीट तैयार हो चुका है। तो मैं इसमें सबसे पहले आलू ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आलू को सीजने में टाइम लगता है, बैंगन तो हमारे फटाफट से सीज जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज का आलू को कट करके इसमें डाल दिया है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 ही आलू लिया है और 250 ग्राम बैंगन लिए हैं। तो हमें इसे आधे से ज्यादा आलू पका लेना है, उसके बाद में बैंगन डाल लेना है सब्जी में। तो मैंने इसको कवर कर दिया है। पांच सात मिनट बाद मैं यहाँ पे इसे चेक कर रही हूँ। मैंने बीच में भी इसे चेक किया था, तो आलू हमारे पक चुके हैं। थोड़ी सी कसर है वो बैंगन में पकने में आलूओं की निकल जाएगी। मैंने यहाँ पे बैंगन में चाक लगा लिया है, ताकि मसाला हमारा बैंगन के अंदर तक चला जाए।
ये वाले बैगन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट या 7 मिनट में ही ये वाले बैगन अच्छे से पक जाते हैं। तब मैं इसे कवर कर रही हूँ 5 मिनट के लिए। पांच मिनट बाद में इसे चेक कर रही हूँ। दोबारा से मैं इसे कवर कर रही हूँ 2 मिनट के लिए। तो बैगन आलू हमारी यहाँ पे कंप्लीट पक चुके हैं। मैं ज़्यादा बैगनों को पकाने नहीं वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसी टाइप के बैगन अच्छे लगते हैं। ज़्यादा हलवा हो जाते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं इसमें अब थोड़ा सा ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी ऐड करूँगी, जितनी मुझे ग्रेवी रखनी है। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सूखा धनिया पत्ती इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि इसका फ्लेवर भी बैगन आलू में अच्छे से आ जाए। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। देखिए, मैंने ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है। 5-7 मिनट के लिए हम इसको हाफ कवर करके पकाएंगे मीडियम लो पे। पाँच सात मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे आलू बैगन अच्छे से यहाँ पे पक चुके हैं। तब मैं इसमें 1/4 चम्मच यहाँ पे MDH का गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ, ताकि बैगन आलू का टेस्ट और भी मज़ेदार सा आए। तो एक बैगन को मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो बैगन हमारे यहाँ पे गल चुके हैं। तब मैं इसमें धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ, और गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल रही हूँ, जिसमें कि मुझे डिश आउट करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ज़्यादा ग्रेवी नहीं की है, बिल्कुल नॉर्मल सी गाढ़ी सी रखी है। तो हमारी यहाँ पे आलू बैगन की सब्जी कंप्लीट तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में भी बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, अपने फैमिली रिलेटिव के साथ इसे शेयर करना, और बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाऊँ। मैं फिर मिलूँगी एक और नए बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।